वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक दिल से स्वागत है। आज हम बात आपको लेके जाता हूँ माल्टा। वहाँ पर एक इंडियन लड़के इंटरव्यू लिए, वो बगैर पैसा खर्चे, उसके पास एक नहीं दो नहीं तीन जॉब ऑफर थी और वो माल्टा पहुँच चुका है और उसके एम्प्लॉयर ने उसका सारा खर्चा पूरा किया। जी वो आप में से एक लड़का है, अगर वो इंडिया से बाहर कुवैत, कुवैत से माल्टा जा सकता है, तभी बोलता हूँ आपको कि आपको मेरे वीडियो देखने चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। ही इज़ अ वन गाय हु मेड मी सो प्राउड विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। और वो अब यूके आ रहा है और उसने मुझे मैसेज किया था और ये वीडियो शूट किया माल्टा में जब मैं उसके पास था। चलिए चलते आपको लेकर चलते माल्टा और मिलाते उस लड़के से जो आपके साथ शेयर करेगा और वो मेरे साथ बैठा है बीच पर। पर गाइस आपने वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपनी फ्री एंट्री आपने ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर डालनी है और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इंस्टाग्राम मेल कीजिए support@instagram.com को बोले गैरी सर की आईडी चला दीजिए अगर आप मुझसे प्यार करते हो। प्लस मेरी सेकंड आईडी जो इंस्टाग्राम फ्री बात करने के लिए आप गैरी बैक आ सकते हैं और अपना। अभी आपने बताया कि आप कुवैत में 5 साल से काम कर रहे हो, ठीक है? कुवैत में 5 साल काम किया और आपको माल्टा कंट्री कैसे पता लगी और कैसे आपने अप्लाई किया? मैंने आपकी वीडियोस देखी काफी, मैं यूके वाली वीडियोस देखता ही रहता था, फिर माल्टा का चैनल जब आया तो माल्टा की वीडियोस देखने लगा मैं और फिर मुझे इतना एक्साइटमेंट हो गया कि मुझे, मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब करियर अपना यूरोप में बनाना है। और जैसा कि आपने बताया था कि माल्टा एक इजी वे है, वहां से हम लोग क्रॉस पाथ कर सकते हैं, तो फिर मैं आपकी चैनल वीडियोस देख के मोटिवेट हुआ और मैंने डिसाइड किया कि मैं माल्टा ट्राई करूंगा। माल्टा ट्राई करोगे? तो आपने मेरे वीडियोस देखे और आपने ऑनलाइन अप्लाई किया। जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया माल्टा के लिए, कितने मंथ लगे आपको कुवैत से माल्टा की जॉब ढूंढते हुए? मुझे 3 to 4 months में मैंने 2 interview क्रैक किए और फिर जो बेटर ऑफर था फिर मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। भाई जान, मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली पूछूंगा, आप अगर इंडिया को माल्टा से कंपेयर करें, यहाँ पर सैलरी 2 to 2.5 lakh के बीच, मुझे पता आपने कॉन्टेक्स्ट है कि आप एग्जैक्टली सैलरी नहीं बता सकते माल्टा में, एंड क्योंकि यूरोप में कैसा, अगर आप सब यूके में भी साइन करते हैं यू कॉन्ट डिस्क्लोज योर प्राइवेसी आउटसाइड टू पब्लिक, मान लेते हैं क्लॉज होता है 2-2.5 lakh। और प्लीज़ मुझसे मत पूछा करो कि इसकी आईडी दो, इंडिया नहीं है, यहाँ पर आप किसी का फोन टेलीफोन नंबर दोगे आपको जेल हो जाती है। आई कॉन्ट डिस्क्लोज एनीबॉडीज आईडी, इनके ऊपर है। तो 2-2.5 lakh आपकी रफली सैलरी थी और इंडिया में कितनी, कुवैत में रफली कितनी, कितना फर्क पड़ा आपकी सैलरी को जब 3 countries मूव किया, आपने जंप किया इंडिया से कुवैत, कुवैत से माल्टा? इंडिया में इट्स लाइक बीन 25% ऑफ द करंट सैलरी, ओके, देन आई मूव टू कुवैत एंड इट्स बीन लाइक 50% ऑफ द करंट सैलरी एंड देन वी आई हैव लाइक डबल ऑफ द कुवैत सैलरी। हाथ पर आपका प्रॉमिस दीजिए, बोले हाथ पर छोड़ना कि आप इसका यूके भी आओगे? बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट टारगेट यूके भी है। और बिल्कुल बिल्कुल मेरा नेक्स्ट टारगेट यूके है। फिर यूके में कहेगा कि मेरी सैलरी सुधर सकती है, आई वांट हिम टू गो टू यूके बिकॉज़ मैं खुद यूके में 18 साल रह रहा हूं, मेरे खुद के 5 घर हैं और मैं चाहता हूं इसके 10 बन जाए। तो आई एम हियर टू लाइक एज ए फैमिली मेंबर। तो आपको सीवी वगैरह बनाना है तो आप मेरे पास इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं और तो फ्री के इतने फॉर्मेट गूगल मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, जिसके मैंने सीवी बनाया है उसको जॉब मिल जाती है। भाई साहब यहाँ पर आईटी का जॉब करते रही कैप करेंगे और 1.5 साल से 5 साल कुवैत में रहे, इंडिया से स्टडी की है लेकिन अब माल्टा में खुश हूँ। क्या आपका डिसीजन माल्टा में आने का सही था एज कम्पेयर टू इंडिया और यूएस? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही डिसीजन है आपका। एक लाइफ है, एक आपका जो फ्यूचर इंडिविजुअल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, होराइजन आपका बहुत ब्रॉडन हो जाएगा और एक आपको एक नई दुनिया से सामना होगा, रूबरू हो जाएंगे आप और आपको ऐसा लगेगा यस आई एम लाइक केपेबल ऑफ फेल मैनी मोर थिंग्स। ओके, मैं अगला क्वेश्चन आपसे भाई जान ये पूछूंगा कि बहुत क्लियरली आपने बोला कि आपके खर्चे रहने के कितने हैं और टैक्स सिस्टम यहाँ का कैसा है? टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है। कितने पैसे टैक्स करते हैं यूके में? तो 20% करते हैं सैलरी से, आपके यहाँ कितना करते हैं? तो यहाँ भी ऐसे ही है 20% और डिपेंड अपॉन योर सैलरी कि अगर 50,000 से ज़्यादा सैलरी है तो इट्स बी लाइक 25 to 30% और अभी 20% है और 20% आपका नेशनल इंश्योरेंस चला जाएगा जो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी यहाँ बोलते हैं सब लोग, तो तकरीबन लमसम अराउंड लाइक 500 आपका डिडक्ट हो जाता है। फिर आप रूम्स अगर आप चाहें तो शेयरिंग में रह सकते हैं, रूम के लिए भी आपको 200 देना होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि अगर आप 2000 सैलरी है तो आप अराउंड 1200 to 1300 सेव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आपके मतलब 1.5 lakh आप जेब में? जी जी बिल्कुल 1.5 lakh। तो ये कह रहे हैं कि रिकैप करेंगे कि जो खर्चा है वो सिर्फ 20-30 हज़ार रुपये होता है अगर शेयरिंग में करते हैं, लेकिन आपको 1.5 lakh आपके पॉकेट में आएगा। इंडिया में 1.5 lakh सेव करना कितना टफ है। और सर से आगे सर ने बताया टैक्स सिस्टम भी यूके की तरह है, बिल्कुल 20% है और आपको यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना पड़ता है। तो आप आईटी में आपके पीआर के चांसेस, यूके में अगर 5 साल है तो पीआर मिलती है, यहाँ पर पीआर कैसे मिलती है? यहाँ पर पीआर बहुत मुश्किल है, बताओ पब्लिक को। और लोगों ने जैसे बताया है कि बहुत मुश्किल है, तकरीबन ये है कि ना ही के बराबर है, मतलब बहुत मानते अगर मिल जाए कितने साल लगते हैं मिलने में? अगर मिल जाएगी भी तो तकरीबन 8-9 साल लग जाएंगे। यूके में 5 साल में मिल जाती है आपको, तो एक ब्रॉडन स्कोप है वहाँ पे। और चूंकि यहाँ आके आपको यूरोपियन वीजा मिल गया है तो आप ट्राई करें, बिल्कुल बहुत से बहुत जरूर ट्राई करें। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप यूके का टूरिस्ट वीजा जरूर लगवाएं एक बार, आपका बैंक अकाउंट ऑनलाइन तो नहीं खोला कि आपने प्रॉपर माल्टीज अकाउंट। बात नोट किया, ये पंजाबी लड़कों की नॉलेज नहीं है, ये क्या करते हैं यहाँ पर आकर ऑनलाइन बैंक खोलते हैं, ऑनलाइन बैंक की कोई वैल्यू नहीं आपके टूरिस्ट वीजा में। जो लड़का यहाँ पर आ रहा है प्रॉपर माल्टीज बैंक खोले, इवन कि यूके का भी लोग दे रहे हैं, यूके के लिए भी प्रॉपर लाइक HSBC बैंक हो गया नॉर्मल, बिल्कुल बिल्कुल ओपन इन प्रॉपर माल्टीज बैंक, तब भी आपको स्टेट पर उसकी मानी जाती है वीजा के लिए। तो अगर आपने कहीं घूमने जाना है दुबई
क्वैत से बड़ी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आप सिंगापुर जाए प्लीज, आप थाईलैंड उन कंट्री मत जाए जो एशिया कंट्री इतनी वैल्यू लोग नहीं देते हैं, ये लोग एक्सपीरियंस बेचारे को पता नहीं है। इससे अच्छा दुबई जाए और दुबई जाकर आप दो तीन लड़के जाएँ और खूब पैसा कमाए जाकर, और दुबई से आप यहाँ पर आ भी सकते हैं। हाँ मैं बहुत आपको थैंक्स बोलूँगा, आपने खुलकर पीआर के बारे में बोला, खुलकर आपने सैलरी के बारे में बोला है, आपने खुलकर बोला है कि कितने, अब बहुत सारे इंडियंस जो लोग आपको देख रहे हैं जो आपको अपना लखनऊ से देख रहे हैं वो उनके मन में होता है कि अरे बाहर यूरोप में जाते हैं तो इतने आवर्स काम करना पड़ता है, अगर एक्स्ट्रा अगर ओवर टाइम मिलता नहीं मिलता और यहाँ पर क्या रंग भेदभाव है, प्लीज़ उस पर कुछ बोलें कि ओवर टाइम मिलता है यहाँ पर, पैसे इसके पेड होते हैं और कितनी आपकी हॉलीडेज हैं आपके बताएं। कहने की ये बात है कि आपको जॉब प्रॉपर मंडे टू फ्राइडे करनी है और कोई रेशनलिज्म नहीं है, प्रॉपर है जॉब, जो लॉज दूसरों के लिए हैं वही लॉज आपके लिए भी हैं। मंडे टू आपको जॉब करनी है, उसके बाद आप चाहें तो ओवरटाइम कर सकते हैं। ओवरटाइम की ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, किसी चीज के लिए आपको बंदिश नहीं है आपके ऊपर। कितनी हॉलीडेज मिलती है यूके? 25 मिलती है, सिकनेस पे भी मिलती है अगर आप जनरल सीख को, आपको यहाँ पर राइट्स मिलते हैं, ओवरटाइम करना आपके ऊपर है, अगर करते हो तो पैसा मिलता है। पर गाइस इतनी नॉलेज कोई नहीं देगा, मेरे पास 18 साल की किताब लिखी हुई है और मैं खुद गरीब घर से समाज से ठुकराया लड़का था। आपको वीडियो को लाइक करना है, लाइक तो आपके घर में फ्री है, देखो मैं तो पकड़ो लड़कों को इतना पैसा लगाकर बैठा हूँ, आप तो घर बैठे आपको लाइक और कमेंट करना चाहिए, सब्सक्राइब बटन दबा लो, क्योंकि ऐसे और कंट्री स्पेन पुर्तगाल भी जा रहा हूँ, पोलैंड तो स्वीडन आपने देखा ही था और प्लीज मैंने 61 कंट्रीज देखी हैं। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, चलो आप तो क्वालिफाइड लड़के थे, पर यहाँ पर जैसे हमारे क्लीनर भाई आपको देख रहे हैं, लखनऊ से देख रहे हैं, इंडिया किसी और पाकिस्तान से भी देख रहे हैं, किसी और भी कंट्री से देख रहे हैं आपको, तो उनको क्या बोलोगे, कौन से 5 स्किल ऐसी हैं जिनमें स्टडी की जरूरत नहीं है और वो लोग बड़े आराम से माल्टा आ सकते हैं, जैसे मैंने क्लीनर बताया, बी ऑनेस्ट बी फ्रैंक। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको अगर सपोर्ट चाहिए या फिर कोई बैठे, मैं बैठा हूँ, हैरी भाई बैठे ही बैठे हैं, आप लोग इनकी वीडियोज़ देख रहे हैं, क्लीनर में आ सकते हैं आप, प्लम्बर में आ सकते हैं आप, कारपेंटर में आ सकते हैं आप लोग, बहुत सारी ऐसी ट्रेड हैं, हाउसकीपिंग में आ सकते हैं जिनमें आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं, बेसिक इंग्लिश भी होगी आपकी तो भी आपका काम आसानी से चल जाएगा और आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है और एक चीज़ पेशेंस आपको रखनी है, प्रॉपर जॉब आप लें, CV ऑफ साइन बढ़िया सा बनवाएं, जैसे हरी भाई की आपको इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस हैं फॉलो करते रहें प्लीज़, और आपको कामयाबी मिल जाएगी, कोई नहीं रोक सकता आपको, और रूल्स ज़रा से भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है यहाँ पे, काफ़ी फ्री कंट्री है, कोई आपको फालतू में परेशान नहीं करता है, पुलिस काफ़ी फ्रेंडली, बिल्कुल भी काफ़ी। पर सर ने एक चीज़ बताई कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश में काम करना है, मैं ये भी बोलूँगा आपको इनर भी आ रहा है, हाय हाउ आर यू, मतलब आपका जो CV है ना वो देखो इंडियन CV और यहाँ के CV में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। और आपको CV में देखो यूके में फोटो नहीं लगती, CV में यहाँ फोटो लगती है यूरोपियन में, आपको CV में जॉब डिस्क्रिप्शन में इतनी चीज़ें डालनी है कि आपने काम ये किया है, वही आपको सेलिंग पॉइंट है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब वर्क इसमें डालोगे। तो गाइस अगर CV बनवाना है तो मेरे से CV कोई नहीं बना सकता, बाकी मैं सबको थैंक्स बोलूंगा, उनका चाय भी ठंडी होगी, समोसे भी ज़्यादा ठंडे हो गए, दुकान मिले हैं, तो देखो आपके लिए बैठे आपको मैसेज करना है, अगर हेल्प चाहिए तो रिप्लाई किया जाएगा आपको, पर मेरी फेक ID से टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप से बचिए और इंस्टा बचिए, आप किसी को पैसा मेरे नाम पर मत दीजिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो थैंक यू वेरी मच मेरे लखनऊ के भाई, एंड आई थिंक यू रिमेंबर माय मेमोरी विद समवन, एंड आई थिंक एंड आई लव लखनऊ। गाइस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको आप इनको प्लीज मैसेज कीजिए, ये आपको फौरन रिप्लाई करते हैं, बहुत बढ़िया आदमी, मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा इनसे, थैंक यू सो मच, थैंक्स सो मच, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट, बाय बाय।